अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। अब बैंक के ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड के बकाए का पेमेंट दूसरे बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। पिछले हफ्ते नकदी संकट के चलते RBI ने यस बैंक की तमाम सर्विसेज पर रोक लगा दी थी और एक महीने में निकासी की लिमिट 50,000 तय की गई थी, जिसके बाद ग्राहकों में पैनिक हो गया था। बैंक के कामकाज पर रोक के बाद ATM और बैंक की शाखाओं के सामने पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गईं। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भी पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। इसके अलावा विदेशी मुद्रा सेवाएं और क्रेडिट कार्ड सेवाएं भी प्रभावित हुई थी। लेकिन अब बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए IMPS और NEFT की सेवाएं शुरू कर दी हैं। यस बैंक ने ट्वीट किया, IMPS और NEFT सेवाएं अब बहाल हो गई हैं। ग्राहक अब दूसरे बैंक खाताओं से क्रेडिट कार्ड बकाए और देनदारियों का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही ATM भी पूरी तरह काम कर रहे हैं और ग्राहक तय राशि निकाल सकते हैं। मतलब अगर ग्राहक यस बैंक क्रेडिट कार्ड रखते हैं या फिर किसी दूसरे बैंक से लोन ले रखा है तो उसके भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम NEFT और IMPS का यूज करके भुगतान कर पाएंगे। इसके पहले 8 मार्च को भी बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकालने की सुविधा दी थी। हालांकि मंथली निकासी की लिमिट 50,000 रुपए ही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते निकासी की लिमिट हटाई जा सकती है। सोमवार को बैंक ने कहा था कि बैंक पर लगे मॉरेटोरियम को शनिवार तक हटाया जा सकता है। साथ ही बैंक अपने ग्राहकों के लिए सभी सेवाओं को बहाल करने की दिशा में बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यस बैंक के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। BSE पर यस बैंक के शेयर में 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे निवेशकों को 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। यस बैंक के शेयरों में लगातार 2 दिनों से तेजी जारी है।